क्या उत्तराखंड में एक और स्टिंग हो गया है? क्या ये स्टिंग एक बार फिर से हरक सिंह रावत ने किया है? क्या उत्तराखंड के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस स्टिंग के शिकार बने हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक बार फिर से उत्तराखंड में स्टिंग की चर्चा शुरू हो गई है। स्टिंग के लिए हरक सिंह रावत पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के वार सीधे दिखाई दे रहे हैं। खुद प्रेमचंद अग्रवाल ने हरक सिंह रावत पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरक सिंह रावत ने विश्वासघात किया है। पूरा प्रकरण मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूं। ऋषिकेश क्षेत्र में एक स्थान है आईडीपीएल, एक जमाने में ये प्रतिष्ठित दवाई बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। एक बड़ी कॉलोनी आईडीपीएल है और उस कॉलोनी में किसी जमाने में हजारों परिवार रहा करते थे। आज भी यहां 1,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। ये परिवार अब बेदखली का सामना कर रहे हैं, यानी इन परिवारों को आईडीपीएल के कॉलोनी से बाहर निकाला जा रहा है और आईडीपीएल कॉलोनी में तोड़फोड़ की जा रही है सरकार की तरफ से, और यहां पर एक बड़े प्रोजेक्ट को लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। ऋषिकेश के विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने करी और एक फोन किया प्रेमचंद अग्रवाल को। प्रेमचंद अग्रवाल और हरक सिंह रावत की कई मिनट तक की ये बातचीत है, और इस बातचीत में हरक सिंह रावत प्रेमचंद अग्रवाल से कई सवालों के जवाब पूछते हैं। कुछ समय पहले तक हरक सिंह रावत बीजेपी में थे, इसलिए हो सकता है प्रेमचंद अग्रवाल बहुत बेफिक्री से हरक सिंह रावत के सवालों के जवाब दिए जा रहे थे। लेकिन हरक सिंह रावत के सहयोगियों ने इस बातचीत को पूरा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब सवाल भी और जवाब भी। और जवाब में इस तरीके की बातें निकल कर आ रही थी कि जो डीएम साहिबा हैं वो नहीं सुन रही हैं, ऊपर का दबाव है। अब ऊपर का दबाव हम सारे लोग समझते हैं, केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं और इसीलिए आईडीपीएल को अब खाली कराया जा रहा है। लेकिन आईडीपीएल की जनता कहां जाए, इसके लिए विपक्ष आईडीपीएल की जनता के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल स्थानीय विधायक हैं, इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल को एक्सपोज करने के लिए हरक सिंह रावत ने टेलीफोन कॉल किया और हरक सिंह रावत के किसी साथी ने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हरक सिंह रावत के फोन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। जो रिकॉर्डिंग की गई है वो उनके सहयोगियों ने की है, और इस रिकॉर्डिंग का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उसके नेता अपने अधिकारियों से किस तरीके से बात करते हैं, उन अधिकारियों की बातें क्या होती हैं, जनता में वो क्या मैसेज भेजा जाता है, वो सारी बातचीत हरक सिंह रावत जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे एक उदाहरण आपको दूं, कुछ हफ्ते पहले या 1-1.5 हफ्ते पहले ही रितु खंडूड़ी का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था। रितु खंडूड़ी यानी कोटद्वार की विधायक जो इस समय विधानसभा की अध्यक्षा हैं, जब उनके विधानसभा क्षेत्र में पुल टूट गया था, मालन नदी पर जो पुल था, उसके बाद रितु खंडूड़ी ने आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रणजीत सिन्हा से भी कुछ इसी अंदाज में बात की थी, और रितु खंडूड़ी ने भी कोई फोन रिकॉर्ड नहीं किया था। रितु खंडूड़ी के कुछ सहयोगियों ने फोन को रिकॉर्ड कर लिया था और उसे सोशल मीडिया में डाल दिया था। वास्तव में ये एक प्रचलन है, जो भी राजनेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, मतदाताओं को बताने के लिए इस तरीके की तकनीक का सहारा लेते हैं। और हरक सिंह रावत क्यों आईडीपीएल के पचड़े में कूद गए, इस सवाल को समझना बहुत आसान है। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अपने जो शीर्ष नेतृत्व है हरक सिंह रावत का, कांग्रेस का जो आलाकमान है,
उसके साथ हरक सिंह रावत ने इस तरीके की बातचीत भी की है कि वो हरिद्वार से इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में ही आईडीपीएल क्षेत्र भी आता है, इसीलिए यहां पर अपनी पैठ को मजबूत बनाने के लिए हरक सिंह रावत वहां पहुंचे थे। और प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो बातचीत उन्होंने की, उस बातचीत का जो नतीजा था वो पर्पस सॉल्व कर जाता है हरक सिंह रावत का। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि दूसरी तरफ जो व्यक्ति थे प्रेमचंद अग्रवाल, जो मंत्री हैं, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है, भले ही वो फोन में नहीं हो रही है, वो कोई दूसरा व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है। और बड़े बेफिक्र अंदाज में सामान्य बातचीत के जरिए जिस तरीके से कहा जाता है, वो सारी बातचीत प्रेमचंद अग्रवाल ने कह दी। लेकिन इसके बाद वो भी फंस गए, क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता को जो थोड़ी बहुत उम्मीद अपने विधायक से, अपने नेता से, अपने मंत्री से थी, अब वो भी जाती रही है। आईडीपीएल के जो निवासी वहां से बाहर निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो भरोसा थोड़ा बहुत था वो भी अब खत्म होता जा रहा है। तो साथियों, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये भी एक संकेत है, ये भी एक संदेश है, और ये आगाह करता है कि जब किसी भी व्यक्ति से बातचीत की जाए तो सतर्क तो रहना ही चाहिए। कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य, कौन सी बात आपके खिलाफ चली जाए, ये सारी घटनाएं टेलीफोन पर ही हो रही हैं। वैसे उत्तराखंड में स्टिंग का प्रकरण अभी भी जिंदा है। 2016 में जो स्टिंग हुआ था, और उस स्टिंग में एक पार्टी हरक सिंह रावत भी हैं, एक आरोपी हरक सिंह रावत भी हैं, उनको भी वॉइस सैंपल देना है, और इस ट्रैप में, इस अगली कड़ी में उन्होंने इस बार प्रेमचंद अग्रवाल को फंसा दिया है। हालांकि कानूनी रूप से शायद इस पर कोई कार्रवाई या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उससे राजनीतिक माहौल गर्मा जरूर गया है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।